अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन भट्ट है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, माहिर अंदाज हड्डियों जो। तो वो कितने साल चल सकता है? तो मैक्सिमम 15 टू 20 इयर्स की स्टडी होती है जिसमें आपको पता लगता है कि ये ज्वाइंट कितने अरसा आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन भट्ट है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, माहिर अंदाज हड्डियों जो। तो आज का मकसद हमारा वीडियो बनाने का, छोटी वीडियो है, इसमें हम ये बताएंगे के नीज, जो ओल्ड एज में नीज के जो इश्यूज आते हैं वो कौन कौन से हैं। यंग एज के नी के इश्यूज डिफरेंट हैं, नी मतलब के जो गोडे का जोड़ है, नी का जो ज्वाइंट है, उसमें यंग एज में इश्यूज डिफरेंट होते हैं, ओल्ड एज में इश्यूज डिफरेंट होते हैं। सो राइट नाउ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको आगाही फराहम करेंगे वो है ओल्ड एज के नी के इश्यूज। सो जो ओल्ड एज में नी के इश्यूज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप ये समझ जाएं कि एज के अकॉर्डिंगली जो हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज हैं वो हमें चेंज करनी चाहिए एज के अकॉर्डिंगली। सो जो डिजीज या प्रॉब्लम जो नी ज्वाइंट को फेस होती है सबसे ज्यादा और यूजुअली फीमेल्स के अंदर, ये फीमेल्स वॉइस सुने कि ज्वाइंट के जो अंदर कार्टिलेज या पूरी हड्डी जो होती है नरम हड्डी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ छोड़ जाती है, ज्वाइंट ग्राइंड करता है आपस में, उसमें वेट ज्यादा होने की वजह से या आम रूटीन की एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से ज्वाइंट की जो पूरी हड्डी होती है जिसको सॉफ्ट कार्टिलेज कहते हैं वो डीजनरेट हो जाती है, उड़ जाती है हड्डी से और नीचे से जो हड्डी नरम हड्डी होती है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से जो नी ज्वाइंट है उसमें प्रॉब्लम, पेन, स्टिफनेस, अकड़ाव, खिंचाव और रेडियोग्राफिकली एक्सरे के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, नजर आना शुरू हो जाता है। और जो भी हमारे पास आता है या डॉक्टर के पास जाता है सबसे मेन कंप्लेन उसकी ये होती है कि अंदर वाली साइड पे, नी के इनर साइड पे, अंदर वाली साइड पे मीडियल साइड जिसे कहते हैं वहां पे दर्द होती है, बैठा नहीं जाता, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते और इसके अलावा जो मेन इशू है वो है नमाज में सजदा नहीं कर सकते। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती रहती है हमें इन चीजों की एहतियात करनी चाहिए और इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि नी किसी हद तक एक वेट बेयर कर सकती है, वजन की कमी, अगर नी में पेन है, नी में दर्द है और शदीद दर्द है तो सबसे पहले पेन को कम कराएं और उसके बाद एक्सरसाइज करें वेट को रिड्यूस करने के लिए, वॉक करने के लिए जो कहते हैं, इसके अलावा फिर आप जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है या और मल्टीपल एक्सरसाइजेस जो आप करना चाहते हैं, बैड नी के साथ आप नहीं कर सकते और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले पेन को रिड्यूस करना होता है, पेन रिड्यूस करवाएं और रिड्यूस मतलब कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, उसके बाद फिर आप फिजियोथेरेपीज की तरफ जाएं या अगर अपनी एक्सरसाइजेस जो आपने कंटिन्यू करनी है उसकी तरफ जाएं। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि ऑन द स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा कि जो नी ठीक है वो किस तरह की होती है और जो नी खराब है वो किस तरह की नजर आती है। इसके अलावा ये रियल टाइम पिक्चर होगी और एक्सरे में जो सही नी है वो किस तरह से शो होती है और खराब नी किस तरह से रेडियोग्राफ एक्सरे में शो होती है वो आपको क्लियर कट ऑन द स्क्रीन शो हो रहा होगा और आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस। इसके बाद जो हमारी डिस्कशन होगी वो ये होगी कि इसके स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं नी के खराब होने की, तो इसके स्टेप बाय स्टेप हमारे स्टेजेस के अकॉर्डिंगली क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और किस ट्रीटमेंट से मुफीद हो सकता है पेशेंट भी और उसको इस चीज का फायदा हो कि वो ट्रीटमेंट लेके अपनी डेली की एक्टिविटीज किसी हद तक मॉडिफाई करके रूटीन में आ सके। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि स्टेजेस के अकॉर्डिंगली जैसे ही आपको फर्स्ट सिम्टम पेन का महसूस होना शुरू हो जाता है तो इसको आपने रिलैक्स नहीं होना इस चीज के लिए और यही सोचना कि हाँ जी छोटी मोटी दवाई से या आम रूटीन की मेडिसिन से ये पेन जा सकती है, अपने फॉरन फिजिशियन को कंसल्ट करें जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या आपके ऑर्थोफिजिशियन हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे मशवरा बर वक्त हासिल कर सकते हैं कि इसकी क्या इलाज है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है और रूटीन में क्या हमें करना चाहिए और किस तरह से इसको इसका फायदा हासिल हो सकता है। तो एक ये बात आपने अपने जहन में रखनी है
और अगर आप हमसे इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, बर वक्त इलाज की ट्रीटमेंट हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं जो कि अभी तो फ्री है और किसी वक्त भी आप हमें रابطہ कर सकते हैं, दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं उन पे और जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जो नेटवर्क्स आपको नजर आ रहे हैं, नीचे लिंक्स नजर आ रहे हैं उन पे क्लिक करके आप फौरी तौर पे घर बैठे बैठे एक क्लिक पे हमारे पास पहुंच सकते हैं और इसका इलाज फौरी हासिल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट बर वक्त मिलने पे काफी फायदा होता है और अपनी रूटीन की एक्टिविटीज कंटिन्यू हो सकती हैं। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे मेन जो चीज है ओल्ड एज में नी की प्रॉब्लम, सबसे टॉप पे ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है, उसके बाद फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आते हैं, इसके अलावा फिर गाउट के साथ साथ बाकी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, फिर आर्थराइटिस जो कि गैंठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं उसकी वजह से भी बड़े जोड़ नी ज्वाइंट मुतासर हो सकता है, हिप ज्वाइंट मुतासर हो सकता है, इसके अलावा शोल्डर्स मुतासर हो सकते हैं और छोटे ज्वाइंट्स। सो अभी फिलहाल जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नी ज्वाइंट। सो नी के इश्यूज के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का हल हासिल करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए अगर अर्ली स्टेजेस हैं तो उसमें मेडिकेशंस से फायदा हो सकता है। स्टेज वन और टू में आप मेडिकेशंस से फायदा हासिल कर सकते हैं, इसमें रूटीन की मेडिकेशंस होनी चाहिए जो कि किडनीज को इश्यू ना क्रिएट करें, लिवर का इश्यू ना क्रिएट करें और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें और सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ आप वो ले सकते हैं। स्टेज टू से जैसे ही क्रॉस करती है चीजें स्टेज थ्री की तरफ जा रही होती हैं या स्टेज फोर की तरफ जाएं तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली, पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो कि लेटेस्ट आई हुई हैं उनके ऊपर उनका ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट चीजें हैं जिसमें स्टेम सेल्स थेरेपी है, फैट थेरेपी है, एडिपोज थेरेपी है, इसके अलावा आपके पास पीआरपी का ऑप्शन अवेलेबल है, पीआरपी की आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं जो कि बहुत आजकल कॉमन है और यूजुअली नी के इश्यूज में बहुत यूज हो रही है, बल्कि नी के अलावा भी काफी जगहों पे काफी चीजों में काफी डिजीजेज में पीआरपी का इस्तेमाल हो रहा है जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो कि लाल खून को सेपरेट कर लेते हैं और येलो खून सेपरेट हो जाता है उसको फिर मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके अपनी केमिकल्स के साथ रिएक्शंस के साथ उसको कंसेंट्रेटेड प्लेटलेट्स को लेकर फिर उसमें नी ज्वाइंट में या किसी भी ज्वाइंट में या टेंडन या मसल्स का इश्यू है तो उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं जो कि काफी हद तक सूटेबल भी है और फीजिबिलिटी भी है उसकी और आपको फायदा भी हो सकता है। बट क्योंकि ये आजकल ऑनगोइंग ट्रायल्स हैं, इसके ऑनगोइंग इसकी रिसर्च चल रही है तो उसमें अभी डेटा इतना सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से आपको ये हम ऑफर कर सकें। और रूटीन में जो स्टेजेस नी ज्वाइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर स्टेज थ्री से क्रॉस करके फोर पे चली जाती है, जोड़ की शेप चेंज हो जाती है, तब्दीली आ जाती है जोड़ों की हड्डियों में, नई हड्डी बन जाती है, जोड़ की स्पेस जगह कम हो जाती है जिसको इंटर आर्टिकुलर स्पेस नैरोइंग कहते हैं, इसके अलावा नी की जो रेंज ऑफ मोशन है, नी की जो मूवमेंट है जिसमें नी को बंद करना पूरा खोलना वो खत्म हो जाए या बंद हो जाए या मुश्किल हो जाए, सीढ़ियां उतरना चढ़ना मुश्किल हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट फिर डिफरेंट है। इसके अलावा स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन हैं और साथ में पेन किलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट वो किसी हद तक इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, पेन को कम कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इस चीज की वो ये है कि जब रेडियोग्राफ के अंदर स्टेजेस फोर से ज्यादा क्रॉस कर चुकी हूं, इसके अलावा पेशेंट को खुद फील हो रहा है कि मेरा नी ज्वाइंट मेरा साथ नहीं दे पा रहा और 24 घंटे नी के बारे में ही सोचना है, उठते बैठते सोते जागते, तो उसका मतलब ये है कि आप यू नीड अ नी रिप्लेसमेंट, आपको नी तब्दील करवाना है और एज सून एज पॉसिबल इसको चेंज करवाना। लोग कहते हैं कि पेशेंट भी ये सोचते हैं कि जी ये जो नी ज्वाइंट है नेचुरल है और अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये एक नेचुरल ज्वाइंट मिला है, नेचुरल ज्वाइंट को ही हम ठीक कर लें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि नेचुरल ज्वाइंट अगर खराब हो गया है तो उसका इलाज है, उसकी ट्रीटमेंट अगर स्टेज फोर से क्रॉस कर गई है
स्टेज 4 से ज्यादा हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट यही है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवाएं जिसमें टोटल नी शामिल है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन सी हड्डियां कटती हैं इसमें, और फिर हड्डियां उस डिजाइन से कटती हैं जिस टाइप का नी इन्होंने चूज किया या नी अवेलेबल है जो इनके लिए हेल्पफुल होगा। और नी ज्वाइंट जब इस्तेमाल करते हैं तो सर्जन या फिजिशियंस या जो भी आपके फिजिशियंस कंसर्निंग हैं या डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो ये ऑफ करते हैं कि आपका नी ज्वाइंट की लाइफ कितनी है, वो कितना चल सकता है, या ट्रायल्स या उस कंपनी का जो नी कितने अरसे बाद खराब हो सकता है या होगा और उन्होंने इसकी कितने ईयर्स की वारंटी दी हुई है। तो वो भी ट्रायल्स के साथ ही वो देखते हैं कि नी ज्वाइंट कितना चल सकता है। तो यूजुअली अच्छा नी ज्वाइंट जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनीज है या फ्रांस बेस्ड कंपनी है या जर्मन बेस्ड कंपनी है तो वो जब ट्रायल्स करती हैं तो उसमें ये पता चलता है कि नी जो उनका इम्प्लांट है, जो उनका डिजाइन है, वो कितने साल चल सकता है। तो मैक्सिमम 15-20 ईयर्स की स्टडी होती है जिसमें आपको पता लगता है कि ये ज्वाइंट कितने अरसा आपका साथ देगा। सेकेंड ये कि नी ज्वाइंट की जो रिप्लेसमेंट है वो होती ही एज जैसे बड़ी हो जाए उसमें होती है, तो यूजुअली 55 से अबव। तो आम रूटीन में जो इंसान का सर्वाइवल है वो हम देखते हैं तो 80s, 85, 90s तक मैक्सिमम जा सकता है रूटीन में जो स्टडी हुई है। तो उसके साथ आप ये देखें कि अगर नी ज्वाइंट 15-20 ईयर्स आपको एक लॉन्गेविटी उसकी सर्वाइवल दे रहा है तो इट्स मोर देन इनफ। तो आप जो नी रिप्लेसमेंट है वो होती ही ओल्ड एज में है, जब ओल्ड एज में होगी आपकी 55, 60, 65 में तो एटलीस्ट 20 इयर्स आराम से गुजर जाए, तो इसमें कोई मुमानत नहीं है कि आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं बजाय ये कि आप पेन में रहें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बेस्ट चीज है जो कि अवेलेबल है आपकी फैसिलिटी के लिए। और अगर आप हमसे रابطہ करना चाहते हैं, हमसे नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके लिंक्स आप क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। सेकेंडली कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल भी आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं बर वक्त ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए और मुफीद और फैजयाब मशवरा हासिल करने के लिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सो एंड पे मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि सेफ रहें, स्ट्रांग रहें और अपना ख्याल रखें, अपने नीज का ख्याल रखें और एक्टिव रहें। साथ अगर आप हमारी वीडियो ये YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे दिए गए बेल बटन पे क्लिक कर लें, साथ वाले टैब सब्सक्राइब को क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस जो लेटेस्ट अपलोड हो रही हैं, लेटेस्ट मसले किसी भी मसले के लिए तो आप उससे नोटिफाई हो सकें और देख सकें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी हमें सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और फॉलो कर लें ताकि वीडियोस जो लाइव चलती हैं या किसी भी इश्यू के लिए जो हम लाइव आते हैं या आप अपने मसले मसाइल को हमें हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसको फेसबुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं बजरिया नेटवर्क के जरिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप हमारे पास अपने मसाइल पहुंचा सकते हैं और उसके जवाब हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।